गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ करण सिंह, आईआईटी गेट, सीएसआईआर नेट, आईआईएफटी, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल कैंटीन रूम। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई कि सर बायोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने उसको कंप्लीट करने के बाद ये हमने बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया है। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर लिया है और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहिए आप, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन का आप पूरा पूरा इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसा ना लगे कि एकदम आप बाउंडेड है, आप बाउंडेड फील ना करें, इस तरह आपकी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस मीन्स हमारी लाइफ को चलने के लिए जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, सिंपल वर्ड। और इसको थोड़ा हम साइंस की भाषा देखेंगे तो हम कहेंगे कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ्स ऑन दिस अर्थ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, खाना खाते हैं हम लोग तो वो भी तो एक लाइफ प्रोसेस में ही आता है। एक्सक्रीशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी लाइफ प्रोसेस में आता है। ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हैं ना आप लोग, किस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यहाँ पर जो हमने जो खाना खाया है, फूड मटेरियल जो स्टोमक के अंदर गया है, ये फूड मटेरियल डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज फिर टोटल हमारी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। मैं इस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस हैं। हमारी लाइफ में हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करती है उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। डेफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड द विटामिन्स। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द विटामिन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लिसन वंस अगेन, क्या काम है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड द विटामिन्स एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या होता है कि जब कोई भी फूड मटेरियल को, किसी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन का मतलब उसका डाइजेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन है इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन जो है ये टू टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मैं इसको एक एक करके समझा देता हूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स हम कहेंगे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड
बाई यूजिंग इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लिसन वंस अगेन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड बाई यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज परफॉर्म बाई ऑल द ग्रीन प्लांट्स. सिंपल वर्ड में समझें कि ऐसा न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का टाइप ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बना ले, सेल्फ बना ले, इस न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो जो प्लांट्स हैं वही अपना फूड इट्स सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स. अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक दियर ओन फूड बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दियर फूड. और वो अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड करते हैं. मीन्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाता है, खुद नहीं बना पाता है, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, अदर्स पर डिपेंड होता है. इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं गुरु. इसके एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें सभी आ जाएंगे जैसे डॉग, कैट, टाइगर, लायन, ये सभी किसमें आ जाएंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है इसको भी फर्दर जो है डिवाइडेशन किया गया है. वो कौन कौन सा है उसको हम एक ही करके देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ओके. अब एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम बात करते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम कहेंगे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द रूट एंड ब्रेड्स. मीन्स सीधी सीधी हम बात कर सकते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल में जैसे हम कहेंगे फंगी, फंगी में आ जाएंगे मशरूम, ठीक है, तो मशरूम से आ जाएंगे इसमें, और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, ब्रेड माउल्ड्स इसमें आ जाएंगे, ठीक. इसके बाद हम सेकंड बात कर लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. सीधी सी बात है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है लेकिन उसको किल नहीं करता है, विदाउट किलिंग इट, तो इसको बोल देते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हम देखें कुस्कोटा है ना, कुस्कोटा मीन्स अमरवेल जिसको बोलते हैं, तो अमरवेल क्या है, तो अमरवेल पे जब हम लोग किसी प्लांट के ऊपर डाल देते हैं तो अमरवेल क्या होता है, उसकी जड़ वगैरह, जड़ें जो होती है ना वो नीचे जमीन में नहीं होती है,
अर्थ में नहीं होती, वो कहाँ ऊपर ही डाल दो आप तब भी वो क्या होती, वेल जो है बढ़ती चली जाती, क्यों, क्योंकि वो जो अमर वेल है, कुसकुटा जो है, वो क्या करता है कि वो प्लांट का जो प्लांट जिस प्लांट के ऊपर डालते हैं वो प्लांट क्या करता है, एक्चुअली वो प्लांट लगा हुआ जमीन में, तो वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को वो जो कुसकुटा जो अमर वेल है वो उसको लेती। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसा लोग जनरली कहते हैं कि जो है कि अगर अमर वेल आप किसी प्लांट में डाल देते हैं तो वो प्लांट सूख जाता है, वो यही रीजन होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट अपने लिए लेता है उस न्यूट्रिएंट्स को जो अमर वेल है वो उसको खींच लेती है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें आता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। अब होस्ट गेस्ट क्या है कि जिस प्लांट पर हम डालते हैं कुसकुटा को अमर वेल को, तो उस प्लांट को हम लोग कहते हैं होस्ट, और जो हमने अमर वेल डाली उस पर वो अमर वेल क्या होती है, गेस्ट होती है। ये होस्ट गेस्ट का कंसेप्ट है। इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे टिक्स हैं, लाइस हैं, लीस हैं, एक और एग्जांपल हो सकता है प्लाज्मोडियम, ये भी क्या होता है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना फूड ऑब्टेन करता है, बैक्टीरिया जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लाइस का मतलब जैसे देखा होगा पहले जो है, अब तो नहीं होता है, पहले सर में जुए हो जाते थे, उसको लाइस बोलते हैं ना। तो जीवित है जो है, जीवित प्राणी जो है जीवित बना रहता है, लिविंग सिस्टम बना रहता है, लेकिन वो अपना फूड ऑब्टेन करते रहते हैं। ओके, और प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ खास बात बता दें, प्लाज्मोडियम जो है जैसे कि ये एक्चुअली मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया जो होता है, जो मलेरिया डिसीज है ये प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बींग्स में जो है स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए कि मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्लाज्मोडियम। क्लियर है, और इसकी एक खास बात होती है, एक बार में ये मतलब इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वन टाइम में 1000 में ये डिवाइड होता है, यानी कि ये एक बार में 1000 प्रोड्यूस कर देता है, इस तरह से इसकी खास बात होती है। फिलहाल अब हम बात करते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन में हम कहेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेंड करता है, इसमें ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड 3 प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेंड करे, कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इन अवर माउथ, यानी कि फूड मटेरियल को अपने हाथ से उठा करके माउथ में रखना, ये हो गया इंजेशन, हमने इंजेस्ट कर लिया, अंदर रख लिया। इसके बाद डाइजेशन, जैसे ही माउथ में हम अपना फूड मटेरियल रखते हैं माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता चला जाता है, फिर इसको पूरी डाइजेशन वाला सिस्टम डिटेल में बाद बताएंगे, और स्टोमक में जाकर क्या हो जाता है, फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट के इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये हो जाता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन, और होलोजॉइक न्यूट्रिशन किस किस में होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स है ना, डॉग है, कैट है, ये सभी जो है ह्यूमन बींग्स में। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो आप चाहे तो इसकी एक बार क्लिक ले लें, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, मैं इसके बाद आगे बात करता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, इसके लिए जो प्रोसेस है पता होगा आप सभी को, फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस
एक इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में इसका यूज करके एक लिस्मन सगीर ने क्या होता है द प्रोसेस, हाँ फोटोसिंथेसिस क्या है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर या ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लिस्मन सगीर के हमने कहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक their own food by from the carbon dioxide water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll, this process is known as the photosynthesis। okay, अब यहां पर एक important बात आती है कि जब photosynthesis होता है तो उस समय कौन कौन से events होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आखिर कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे बनता है ग्लूकोज, ये पूरी मैकेनिज्म इसकी समझाते हैं। तो इसके इवेंट्स की बात कर लें तो सबसे पहला जो फर्स्ट इवेंट है इसमें बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसकी प्लांट्स जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती हैं, उनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की उन लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे ग्लूकोज प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं, कैसे वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, स्टार्च कैसे स्टोर होता है, पूरी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने कहा है कि जैसे सनलाइट एनर्जी प्लांट पर पड़ती है एज द सनलाइट एनर्जी फॉल्स ऑन द प्लांट्स दिस सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके द्वारा इस सनलाइट एनर्जी का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ये फर्स्ट स्टॉप स्टेप हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखो क्या होता है, सनलाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो पाती है। अब क्या होता है कि सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होनी ना, आप समझिए कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए केमिकल एनर्जी। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया, जैसे ही सनलाइट एनर्जी ग्रीन लीव्स पर पड़ी तो क्या हुआ ग्रीन लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ने उस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकंड पॉइंट, अब हम कहेंगे कि कन्वर्जन ऑफ दिस सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ दिस सनलाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ दिस सनलाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ दिस सनलाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है दो पार्ट में, किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे भी आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो एटम से मिलकर बना होता है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो स्प्लिटिंग हो गई, केमिकल उसमें जो है सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी ने क्या किया, इसको वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर दिया, H2 को अलग कर दिया, O2 को अलग कर दिया, ये प्रोसेस हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है, थर्ड स्टेप की बात करें तो रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट, इंटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम होता है। अभी हम देखते हैं कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट कहें या फिर हम कहें ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तब बनता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो देखो कैसे केमिकल प्रोसेस होता है, रिएक्शन कैसे होती है। तो हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस स्टेट में रहता है, प्लस यहां से साथ में हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या होता है बोलो, वाटर मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है साथ में रहता है वाटर मॉलिक्यूल, और लाइट एनर्जी लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां से ये हमने ले ली सनलाइट एनर्जी, इसको जो है एरो के ऊपर ले लेते हैं सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, ठीक है, और क्या होता है साथ साथ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो हमने यहां लिख दिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अब जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो हम देख लेते हैं कि बन क्या रहा है, यहां से कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और प्लस साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहां से रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग आपको हमने पहले सिखाई थी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में कर देते हैं। देखो ग्लूकोज कैसे बैलेंस करेंगे, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, चलिए यहां 6 कार्बन कर दीजिए, इसके बाद देखो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 12 है, और यहां पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 6 लगा दिया, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहां 6 12 12 6 18, यहाँ कितना ओनली 6 है, तो 6 लगा दीजिए, ओके 6 12 6, राइट। तो ये इस तरह से हो गया कि कैसे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है, कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। आई होप दैट कि आपको समझ में इसमें आ गया होगा किस तरह से मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप दैट कि ये हमारा जो बायोलॉजी क्लास 10th जो पार्ट 1 है आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। इसके बाद फिर हम पार्ट 2 नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। कंटिन्यू बने रहिए, जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है आप चाहें तो घर पर बैठे बैठे काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट करते रहिए। तो मैं उससे, चूंकि बच्चों की कल कमेंट आई थी कि सर बायोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने उसी हिसाब से किया है, ठीक है, शेयर कमेंट करते रहेंगे तो मैं वीडियो इस तरह से अपलोड करता रहूँगा। और थैंक यू, जय हिंद जय भारत।